ईरान इसराइल के साथ सीधी लड़ाई में जीत पाएगा या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर साफ है कि इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिकल फ्रंट पर वो इसराइल से काफ़ी पीछे है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक सीक्रेट एजेंसी है कुद्स फोर्स, जो विदेशी धरती पर ईरान के ऑपरेशन को मैनेज करती है। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान की इसी कुद्स फोर्स का जो चीफ इस्माइल कानी है वो इसराइल का जासूस है। 27 सितंबर को इसराइल ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को मार डाला था। इस हमले में हिजबुल्ला के कई टॉप कमांडर भी मारे गए थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ईरान को कानी पर तब शक हुआ जब 4 अक्टूबर को इजरायली हवाई हमले में नसरल्ला का उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन भी मारा गया। इसी हमले में इस्माइल कानी के मारे जाने की भी खबरें आने लगी और बताया गया कि वो उस वक्त सफीउद्दीन के साथ ही मौजूद था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाद में मालूम पड़ा कि इस्माइल कानी तो उस हमले वाली जगह पर था ही नहीं, बल्कि जैसे ही सफीउद्दीन उस लोकेशन पर पहुंचा तो इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। माना जाता है कि सफीउद्दीन की हत्या हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल की एक बैठक में की गई, जिसमें पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। लोकेशन पर पहुंचने के कुछ ही मिनटों के भीतर वहां इतना ज़बरदस्त हमला हुआ कि इलाके की 4 बड़ी इमारतें भी ध्वस्त हो गई। नसरल्ला की हत्या के 2 दिन बाद कानी कई IRGC कमांडरों के साथ ज़मीनी स्थिति का आकलन करने के लिए लेबनान पहुँचा था, लेकिन सफीउद्दीन पर हमले के बाद 2 दिनों तक कानी का कोई अता पता नहीं चला। ऐसा भी बताया जाता है कि सफीउद्दीन के साथ कानी को भी उसी जगह पर होना था, क्योंकि दोनों के बीच एक मीटिंग होने वाली थी जिसे आखिरी वक्त में कानी की ओर से टाल दिया गया। मिडिल ईस्ट के मीडिया आउटलेट ने हिजबुल्ला के एक सूत्र के हवाले से बताया था कि सफीउद्दीन की लोकेशन लीक की गई थी और ये लीक ईरान की तरफ से हुआ था। इस हमले के काफ़ी समय बाद तक भी कानी का कुछ अता पता नहीं था और अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो भी सफीउद्दीन के साथ मारा गया। लेकिन बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि कानी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि जासूसी के शक में ईरानी अधिकारी उससे पूछताछ भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में ईरान के कमांडर के हवाले से बताया गया कि ईरानियों को ये शक है कि इजरायलियों ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर में घुसपैठ की है, खासकर लेबनानी इलाके में काम करने वालों के बीच, इसलिए सभी की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की एलिट कुद्स फोर्स के कमांडर को पूछताछ के दौरान हार्ट अटैक भी आ गया था। बताया गया कि 67 साल के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को पूछताछ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब उसकी हालत कैसी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये साफ नहीं है कि कानी अब कहाँ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो या तो तेहरान में है या फिर बेरूत में। लेबनानी और इराकी सूत्रों का ये भी कहना है कि कानी को उसके ही घर में नज़रबंद करके रखा गया था और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की सीधी निगरानी में उससे पूछताछ की जा रही है। जनवरी 2020 में US ने कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद इस्माइल कानी को कुद्स फोर्स का प्रमुख बनाया गया था। पिछले 2 महीनों में इसराइल ने ईरान के कई शीर्ष नेताओं को मार डाला है, जिनमें हिजबुल्ला के ज़्यादातर मिलिट्री लीडर्स शामिल हैं। सुलेमानी के उलट कानी उतना प्रभावशाली नहीं रहा, वो ईरान के रीजनल पार्टनर्स के साथ उतने करीबी संबंध नहीं बना सका। कानी की लीडरशिप में हिजबुल्ला और इराकी मिलिशिया जैसे ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप इसराइल का ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, वहीं सुलेमानी के समय इसका उल्टा होता था। कानी ज़्यादातर गुप्त रूप से मीटिंग करता है और ज़्यादातर मामलों में पर्दे के पीछे रहकर ही काम करता है। अब देखना ये होगा कि कानी क्या वाकई में इसराइली जासूस है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।